अपने फॉर्मूला बुक को ओपन करें, उसमें कुछ फॉर्मूलाज नोट करें। आप कहेंगे ये क्या चीज है। देखो एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का सेंटर और मास उसके सेंटर पे होता है व्हेन मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नीट और मेंस में, एनसीईआरटी में नहीं, नीट और मेंस में इस शीट में से एक फॉर्मूला मार्क करना पक्का है। उनको बहुत पसंद है ये क्वेश्चन और ये याद करना है। इसके प्रूफ अगर देखने हैं तो मेरे से एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ले लेना, आराम से बैठ के 1.5-2 घंटा प्रूफ सुनना ये कैसे हुआ। जरूरत नहीं है उसकी, कोई पूछता नहीं है प्रूफ, काफी बड़ी इंटीग्रेशंस यूज होती हैं उसमें। पर फॉर्मूला जरूर सबको आना चाहिए कि अगर ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर उल्टा करके रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी जमीन से, 3r/8। तो पहला लिखो फॉर्मूला हेमिस्फेयर का डायग्राम बना के, सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी, 3r/8, r इज रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। दूसरा फॉर्मूला लिखें हाफ रिंग, अगर एक कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, हाफ रिंग अगर ऐसे रख दें सेमी सर्कल तो सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r/π। तो दूसरा लिखें, तो पहला लिखें सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड का मतलब अंदर, वॉल्यूम वाइज है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लिखें हाफ रिंग, रिंग तो अंदर से खाली होती है। दूसरा फॉर्मूला, सबसे ज्यादा आने वाला फॉर्मूला है कोन्स, कोन के ऊपर तो बहुत पेपर में आता है, सीधा फॉर्मूला आता है। सॉलिड कोन अंदर से भरा हुआ है, एच हाइट का है, सेंटर ऑफ मास की हाइट है h/4। ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, लोग देखते ही कोन देख के खुश हो जाएंगे h/4। वो पूछेगा सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताओ वर्टेक्स से, ये ग्राउंड से है, वर्टेक्स से, तो h-h/4 इज द आंसर। वो देखना पड़ेगा कि ऊपर से पूछा है या नीचे से पूछा है, तो नीचे से लिख लो h/4। और अगर हॉलो कोन है तो जमीन से डिस्टेंस h/3, सॉलिड है तो h/4 जमीन से, और अगर हॉलो है तो h/3। सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा मार्क करने को। नेक्स्ट है हाफ रिंग डिस्क, सॉरी कंप्लीट डिस्क होती तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, था हाफ डिस्क है या मास ही मास है एरिया वाइज, तो कितनी हाइट पर है, 4r/3π। और ऐसे ही हॉलो हेमिस्फीयर, खाली है हेमिस्फीयर, तो जमीन से डिस्टेंस कितना है, r/2।